जय हिंद। भारत अपने कर्तव्य काल में आ चुका है। भारत को विश्व मित्र, विश्व गुरु, विश्व वैद्य जैसे टाइटल मिलने शुरू हो गए हैं। कोविड-19 की मंदी के बाद इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने वी ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है और धीरे धीरे इंडिया पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पर बहुत तेजी से उभर रहा है। आज इंडिया दुनिया के सभी देशों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के आगे बढ़ रहा है और इंडिया को एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर के रूप में देखा जा रहा है। आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं और जानते हैं कि इस बीच में इंडिया ने क्या वो अचीवमेंट्स किए हैं जिससे कि इंडिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक सुपर पावर की तरफ निकल रहा है। सबसे पहले कोविड के टाइम की अगर हम बात करें तो वैक्सीन मैत्री योजना के तहत भारत ने दुनिया वालों को दिखा दिया है कि भारत हेल्थ केयर प्रोडक्शन में कितना आगे है। इस दौर में भारत ने लगभग 96 देशों को 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराई है, जिसमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन फ्री में दी है और विश्व पटल पर कोविड जैसे पेंडेमिक में एक सहारा बनकर के उभरा है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हाल ही में देखी गई है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को लेकर के। 2015 के अंदर 120 से ज्यादा देशों का एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया के गुरुग्राम में ही है। इस पहल में भारत सबसे आगे रहा है और आज भारत सभी देशों को सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ उत्साहित कर रहा है और साथ साथ में भारत ने यह भी नारा दिया है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ताकि आने वाले समय में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अग्रसर हों, उसमें भी हम अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हमारी तीसरी बड़ी उपलब्धि हाल ही में देखी गई है जब 2023 में भारत ने G20 सम्मेलन का आयोजन इंडिया में कराया है और दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से प्रसिद्ध हमारा जो G20 सम्मेलन है उसमें हमने सिर्फ G20 के देशों को ही नहीं बल्कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में समावेश किया है। तो भारत की पहल से पहली बार अफ्रीकी देश का जो संघ है अफ्रीकन यूनियन वो भी G20 में शामिल हो चुका है और G20 की आइडियोलॉजीज पर अब अफ्रीका में भी बहुत अच्छे लेवल पर काम होगा, इसके लिए भी क्रेडिट भारत को जाता है। भारत की चौथी सबसे बड़ी उपलब्धि जो विश्व पटल पर है वो है क्लाइमेट चेंज से लड़ना। जहां आज दुनिया में सभी देश क्लाइमेट चेंज से निपट रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज को अपना करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, वहां इंडिया ने आज कई ऐसे मुकाम हासिल कर दिए हैं जिसमें हम क्लाइमेट चेंज और जलवायु प्रोटेक्शन में आगे निकल चुके हैं। G20 के देशों ने माना है कि इंडिया ने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट को अपना करके तय समय से पहले ही अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक अच्छी बुनियाद हासिल की है। 500 गीगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट उसने समय से पहले अचीव किया है और यह भी हमने एक पॉलिसी निकाली है जिसके अंदर हम आज अपनी हर एक परियोजनाओं में क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखकर के ही स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगली हमारी उपलब्धियां है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को लेकर के। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारत में भी ग्रीन हाइड्रोजन हब्स डेवलप किए जा रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के अंदर बहुत बड़े स्तर पर चला जाएगा और हम बहुत अच्छे लेवल पर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि फिर से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में हमारा जो योगदान है वो विश्व स्तर पर बढ़ने वाला है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप लोग सब जानते ही हैं कि इंडिया किस तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहा है। खास तौर पर डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के इंडिया आज दुनिया में नंबर वन पर आ चुका है। आज इंडिया के अंदर चाइना से भी 3 गुना ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रही है और यूरोप और यूएस जैसे देश तो इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा पीछे है। इंडिया ने जो आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया है उस सिस्टम को आज दुनिया के कई सारे कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं। ट्रेडिशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस और फ्यूचर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस के मानकों को अपनाने के लिए भारत ने जो अपने योग और आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को विश्व पटल पर रखा है आज दुनिया उसको फॉलो कर रही है। 21 जून को इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन के तौर पर मनवाया गया है और इसके पीछे की पहल भारत की है। आज इंडिया के अंदर लगभग 200 से ज्यादा कंट्रीज के लोग आकर के योगा सीख रहे हैं और जो हमारी पौराणिक हेल्थ केयर की प्रैक्टिसेस हैं, आयुर्वेद की प्रैक्टिसेस हैं, इनको सीख रहे हैं और अपनी कंट्री के अंदर उसको फिर आगे चल करके लागू कर रहे हैं। तो योगा और हेल्थ केयर के सेक्टर में इंडिया ने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और इसी तरीके से इंडिया बहुत सारे सेक्टर्स में एक ग्लोबल लीडर की तरफ उभर रहा है। यूएन, आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तो ये भी प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया है कि बहुत जल्द इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है और चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज के बाद 3rd नंबर पर आने वाली है। तो आइए चेरिश करते हैं इंडिया की ग्रोथ को और होप करते हैं कि इंडिया इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ रहे और आने वाले समय में इंडिया वाकई में एक विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू एंड डू शेयर एंड कमेंट एंड लाइक।